हे गाइस, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। सो आप लोगों को पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 19.5 द एंड हो गया था। आज जो आप लोगों का सेशन है डियर स्टूडेंट, वह एक्सरसाइज 19.6 है, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब बात आता है डियर आप लोगों को एक माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर आप अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। गाइस देखो, ये जो टॉपिक है यानी ये जो लेसन आप लोगों का है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा और फार्मूला रिलेटेड भी होगा। अगर आपको फार्मूला याद है माय डियर, तो फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन एक रहता है डियर, उसका सोल्यूशन अनंत रहता है। ऐसा ही इस चैप्टर में है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। बट बिकॉज इट्स द सेशन इज सोल्व करेंगे एक मेथड से ही, क्योंकि कम समय में ही टॉपिक को गेन करना रहता है यहाँ पर। सो आज आप लोगों को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल के बारे में, और आज आप लोगों को एग्जाम्पल भी द एंड हो जाएगा। यानी एक्सरसाइज एग्जाम्पल एक्सरसाइज 19.6 का आप लोगों का एग्जाम्पल द एंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट डे जो यानी नेक्स्ट सेक्शन में जो लेक्चर को बनाएंगे डियर, वह होगा आप लोगों का एक्सरसाइज। आप लोगों को पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। आइए, बोलता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका अगर हिंदी वर्ड जाने माय डियर तो प्रतिस्थापन होता है। अब प्रतिस्थापन मीन्स क्या होता है? रूपांतरण होता है। यानी कहता है एक फॉर्म टू ट्रांसफर द वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी साइन एक्स को कॉस एक्स में ट्रांसफर कर सकते हो, कॉस एक्स को साइन एक्स में ट्रांसफर कर सकते हो, टैन को कोट में कर सकते हो, कोट को टैन में कर सकते हो। सो इसी के प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। सो देखिए, कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया, यानी इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेट दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, ताकि आपको सोल्व करने में डियर सहूलियत हो सके। सो देखिए, बोलता है अगर हम टेनिस का यानी टेनिस को अगर इंटीग्रेट करते हैं, यानी अगर टेनिस को इंटीग्रेट करेंगे माय डियर, तो जो होगा मेरा लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। अब मोड क्यों लगाते हैं? इसलिए कि अगर कोई निगेटिव रिजल्ट देता है डियर, तो उसको पॉजिटिव कर दिया जाए। सो देखिए, अगला है कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब कोटेस का इंटीग्रेशन होता है डियर लॉग साइन एक्स मोड साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए, अगला है इंटीग्रेट सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेट होता है माय डियर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। आप लोगों को लेक्चर नंबर वन या सेकेंड में डियर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये सब डिस्कस किया हुआ है, आप वहां जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। बट इस सेशन में यानी इस लेसन में कुछ नया हुआ है फॉर्मूला, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो आप लोग नोट कीजिए, थर्ड फॉर्मूला को अगला फोर फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, ये सब फार्मूला को प्रूव भी किया जा सकता है, बट डियर आप लोगों को एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछता है। यदि प्रूफ नहीं पूछता है तो बताने से कोई यहाँ पर बेनिफिट है नहीं। मानते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को होगा बताने से डियर, बट अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रूफ भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो ओनली फॉर प्रूफ होगा। सो आई होप नोट कर लिए होंगे। सो अगला आपका फार्मूला है सेकेस, यानी अगर सेकेस को इंटीग्रेट करेंगे माय डियर, तो उसका क्या आएगा? सो देखिए आप लोग फार्मूला याद करिए, ताकि सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसान हो। सो देखिए, अगला फार्मूला आप लोगों का है सेकेस इंटू डी एक्स। अब सेकेस को अगर करते हैं माय डियर, तो होता है मेरा लॉग सेकेस प्लस टेन एक्स। सेकेस को अगर करते हैं तो लॉग सेकेस प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब देखिए, आप मतलब आप चाहे तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। देखिए सेकेस है, एक ट्रांसफर करके दिखा देते हैं डियर। सेकेस है, इसको क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू डी।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वन अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर हम किसी भी संख्या में डियर उतना ही से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से डिवाइड करते हैं तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। सपोज मान लीजिए आपके पास चार रुपया, यानी कि चार रुपया आपके पास अवेलेबल है, अगर आप उसमें क्या करते हैं दो रुपये किसी से मांग लेते हैं उतना से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एट रुपये बचते हैं, और अगर आप दो रुपये किसी से दे देते हैं उतना से डिवाइड करते हैं तो कट जाता है, फिर भी आपके पास अवेलेबल जो कॉस्ट है वह चार रुपया ही है। सो अगला आप लोगों का फॉर्मूला है, देखिए सेकेंस का एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, अगर हम सेकेंस और टेनस को ट्रांसफर करें तो देखिए आप खाली फॉर्मूला याद रखिए, इंटीग्रेशन का आप लोगों को प्रूफ नहीं पूछता एग्जाम में। देखिए एक और फॉर्मूला होता है सेकेंस इंटू डी, आप लोगों को पिछला बार बताए कि लॉग सेकेंस यानी लॉग मोड सेकेंस प्लस टेनस प्लस सी होता है, अगर उसको ट्रांसफर करते हैं सेकेंस को वन अपॉन कॉस में और टेन को साइन अपॉन कॉस में तो जो रिजल्ट देगा वह ऐसा देगा, लॉग मोड टेन पाई अपॉन फोर अप प्लस एक्स अपॉन टू, आपका यह फॉर्मूला आएगा। यानी अगर सेकेंस को एक और इंटीग्रेट करिएगा तो लॉग मोड टेन एक्स प्लस पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू आएगा। सो देखिए आप लोगों को एक्सरसाइज सॉरी एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन कहता है, अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा जो बताया गया था शायद लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकेंड में, अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा डियर तो जो मैं पहला क्वेश्चन देने वाला हूँ वो आप लोगों को फटाक से सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो को देखें पूरा के पूरा, क्योंकि इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा वह देखिए फार्मूला से रिलेटेड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड होगा, ये सब का कंबाइन होगा। सो ज़्यादा बेनिफिट होता है इस क्वेश्चन को यानी इस सेशन को देखने के बाद। देखिए क्या कहता है, डी एक्स अपॉन रूट वन प्लस कॉस टू एक्स इंटू डी आई, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाए तो उस मेथड से भी सॉल्व होगा, अगर ये फार्मूला बेस से भी सॉल्व किए हैं तो फार्मूला बेस में भी सॉल्व होगा। देखिए हम अकॉर्डिंग टू यहाँ फार्मूला बेस सॉल्व करते हैं, आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं डिस्कस कर चुकूँ। यार आप लोगों का एक स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम रहता है कि कमेंट नहीं करते हो, अरे यार कमेंट करो ताकि हम समझ सके स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है। मानते हैं कि आप लोग स्टूडेंट है डियर, बट कोई भगवान तो नहीं ना है कि आप लोगों को अंदर के बात पूरा जान रहे, गुरु गुरु होते हैं यानी टीचर टीचर होते हैं। सो आप लोग कमेंट कीजिए ना यार आपको क्या कमी हो रहा है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। देखिए आप लोगों को फार्मूला बताए थे कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन प्लस सॉरी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू। देखिए ये जो वन प्लस कॉस टू एक्स है डियर वह पूरा का पूरा यहाँ पुट कर दिया है, पूरा का पूरा पुट कर दिया है तो जो हम लिख सकते हैं वो हो जाएगा मेरा डी एक्स अपॉन, देखिए रूट है तो रूट के रूट रहने दीजिए, वन प्लस कॉस टू एक्स के जगह लिख सकते हैं हम टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या नहीं लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं। अब देखिए वन अपॉन रूट टू एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर लेंगे तो मेरा जो बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से रूट कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा मेरा कॉस एक्स हो जाएगा। अगर देखिए यह डाउन में है अपर ले जाएंगे तो यह जो हो जाएगा वह सेकेंस इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए आप लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला क्या बताए थे, अगर हम सेकेंस को इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग सेकेंस प्लस टेनस आता है, या लॉग एक और फार्मूला बताए थे कि लॉग क्या था, लॉग टेन इंटू पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू आता है। सो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए आगे डिस्कस करते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे, सो आइए आगे डिस्कस करते हैं इसको। देखिए फार्मूला अगर आप याद रखते हैं ना तो पूरा अच्छा से सॉल्व होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप लोग क्या कीजिए यार, एक हर वीडियो में यार रिपीट करता हूँ बात कि आप इस सेशन वीडियो को देखिए, उसके बाद उससे रिलेटेड लेसन लेकर बैठिए। जैसे आज एक्सरसाइज 19.6 कंप्लीट हुआ आप लोगों को,
घर पे जाइए, बैठिए, एक्सरसाइज 19.6 निकालिए, चैप्टर अब सॉल्व कीजिए। आपको ये नहीं है कि एग्जाम्पल बता दिया जा रहा है तो एग्जाम्पल ही बनाइए। अरे यार, आप एग्जाम्पल से ही रिलेटेड होता है एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। सो देखिए क्या आता है, सेकेस का इंटीग्रेट करेंगे अगर तो होता है लॉग सेकेस प्लस टेन एक्स प्लस सी, या आपका एक और आता है वह यह है लॉग टेन मोड पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू प्लस सी, ये आता है। यानी आप अगर इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स अपॉन रूट वन प्लस टू एक्स को तो आपका आंसर ये आता है। आप लोग देखिए कितना इजी वे से फॉर्मूला बेस पर था। सो राइट नोट नाउ, डिस्कस अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल। सॉरी गला खराब है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है वो भी फार्मूला बेस पर है। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला याद किए होंगे तो वो भी फार्मूला बेस पर है। एक स्टूडेंट में प्रॉब्लम होता है कि फार्मूला याद नहीं करते हो। अरे फार्मूला याद करो, फार्मूला आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस कॉस, ये भी फार्मूला बेस पर है। आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर रख दिया है, यहाँ देखिए ये टू एक्स के जगह एक्स रखा है, यहाँ देखिए एक्स के जगह टू एक्स, यानी इसका मल्टी दोगुना, इसका मल्टी यानी सॉरी इसका दोगुना यहाँ पर होता है डियर। तो अगर यहाँ पर एक्स दिया तो इसका हाफ कर देंगे, बात देखिए हाफ करेंगे दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा एक्स बन जाएगा। सो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे माय डियर, और रूट की रूट रहेगा, टू आ जाएगा टू साइन एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब देखिए वन अपॉन रूट टू जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो वन अपॉन रूट टू कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो जो बच जाएगा आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन टू। फिर क्या करेंगे, या डाउन में डियर अपर में ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा कॉस एक्स एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। अब देखिए आप लोगों को बताए थे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है लॉग मोड कॉस एक्स माइनस कोटेक्स प्लस सी। अब आप फार्मूला याद ही नहीं कीजिएगा तो कहाँ यहाँ सोल्व होगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म लागू कीजिए, लंबा जाएगा, उससे बढ़िया फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला पुट कर दीजिए। आप लोगों को देखिए एग्जाम में क्या होता है डियर, टाइम को कॉन्स्टेंट रहता है, टाइम आपका बढ़ता ना घटता है, तीन घंटा यानी चार घंटा लिमिट है तो चार घंटा लिमिट है, आप चाहे बनाई चाहे ना बनाइए वो आप पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर पर नहीं। सो आप नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे। सो आइए आगे जानते हैं। देखिए क्या आएगा, आएगा वन अपॉन रूट टू लॉ कॉस एक्स एक्स अपॉन टू माइनस कोट एक्स अपॉन टू। अब देखिए इसका भी वन अपॉन टू होगा, इसका भी वन अपॉन टू होगा, क्योंकि इसका बेस माय डियर एक्स अपॉन टू है, और यदि एक्स अपॉन टू भी एक्स है तो वन अपॉन टू भी आएगा। मल्टी अगर हम एलसीएम लेंगे तो टू ऊपर चला जाएगा, जो आपका आएगा टू रूट टू लॉग कॉस एक्स अपॉन टू माइनस कोट एक्स अपॉन टू प्लस सी। अब देखिए हम टू को रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू भी लिख सकते हैं, सो अपॉन में रूट टू हो जाएगा, जो लॉग आएगा कॉस एक्स एक्स अपॉन टू माइनस कोट एक्स अपॉन टू प्लस सी। देखिए रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आंसर बचेगा वह रूट टू बचेगा लॉग कॉस एक्स एक्स अपॉन टू माइनस कोट एक्स अपॉन टू प्लस सी बच जाएगा आपका आंसर। सो आई होप समझ गए होंगे, यानी समझ चुके होंगे। सो नोट कीजिए, आगाज किए हैं तो मंजिल तक पहुंचेंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए।
अगर इस चैनल के द्वारा आप लोगों को स्टार्ट किया गया सिलेबस डियर, तो आप लोगों को अंत तक जरूर पहुंचाया जाएगा। आप निफिक्र यानी टेंशन फ्री रहिए। बस आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट पास पहुँच सके और वह फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी पा सके। सो हे गाइस, नोट कीजिए, अगला एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, थोड़ा सा नहीं यार, आप लोगों का कह देते हैं ना थोड़ा सा, तो आप लोग समझते हो ना कि बहुत हार्ड होगा। अरे हार्ड कुछ नहीं है यार, मेहनत करो ना, मेहनत करोगे हर मंजिल को पाओगे। चाहत को तब तक चाहो जब तक कि वह चाहत जो है तुम्हें ना चाहने लगे। सो आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉसनेस। आप लोगों को जब सेशन स्टार्ट किया गया था तो बताया गया था इस सेशन के अंतर्गत कि किसी भी संख्या से उतना ही संख्या से डिवाइड करते हैं और उतना ही संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। सो देखिए यहाँ क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं। √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। देखिए ये जो √2 है वो 1/√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx/1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू में कॉस एक्स। सो आप लोग देखिए यहाँ तक नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे, आइए आगे जानते हैं। सो आप लोग देखिए एक फार्मूला जानते हैं कि कॉस पाई अपन 4 1/√2 होता है या साइन पाई अपन 4 1/√2 होता है। सो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, हम यहाँ कॉस को ले लेते हैं। सो देखिए हो जाएगा मेरा कॉस पाई अपॉन 4, देखिए हो जाएगा मेरा कॉस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन पाई अपॉन 4 इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा 1/√2 इंटू डी एक्स। सो आइए आगे जानते हैं, एक फार्मूला जानते हो डियर कि साइन ए इंटू साइन बी, या देखिए वो तो एक ट्रिक बताएं, यानी वो मान सकते हैं, आप ये भी मान सकते हैं डियर, देखिए ये भी आप लिख सकते हैं dx/√2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई अपॉन 4, ये भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपका एक फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, देखिए इसको ए मान लिया गया है, इसको बी मान लिया गया है, फिर इसको ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया, या तो आप इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी बी मान सकते हो, इसको भी बी मान सकते हो, सॉरी इसको भी ए और इसको भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानते हो। सो हो जाता है डियर फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी। क्या होता है देखिए फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है डियर तो इंटीग्रेशन बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। सो हे गाइस, आप लोग फार्मूला याद कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है आप फार्मूला को पूरा रिमेम्बर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स के जगह यानी ए के जगह एक्स माने माई डियर और बी के जगह 4 माने। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, आप फिलहाल नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। चाहत को तब तक चाहिए जब तक कि वह चाहत आप
को नहीं चाहने लगे। सो मेहनत कीजिए यार, हार्ड वर्क इज सक्सेस मैन। सो देखिए क्या आता है, देखिए कॉस डाउन में है, अपर जाएगा तो यह सेक हो जाएगा। अब आता है मजा, यहां से सेक का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेशन स्टार्ट होने के फिलहाल यानी बाद पहले ही बता दिए थे। क्या बताए थे, देखिए सेकेस हो जाएगा एक्स माइनस हो जाएगा पाई अपॉन फोर इंटू डी। अब सेकेस का फॉर्मूला दो बताए थे, लॉग सेकेस प्लस टेन एक्स, और एक बताए थे लॉग इंटू टेन पाई एक्स माइनस पाई अपॉन फोर। सो देखिए आपका जो इंटीग्रेशन आएगा वन अपॉन रूट टू आ जाएगा, वह आ जाएगा लॉग सेकेस एक्स के जगह एक्स माइनस पाई अपॉन फोर है, प्लस हो जाएगा आपका टेन एक्स यानी एक्स के जगह एक्स माइनस पाई अपॉन फोर प्लस सी है। यानी आप जब इंटीग्रेट करिएगा डीआर डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो जो आपका आंसर आएगा वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू आएगा माय डियर लॉग सेक इंटू एक्स माइनस पाई अपॉन फोर। यह टोटल का टोटल कितना है, एक्स के जगह है, यह टोटल का टोटल माय डियर एक्स के जगह है, और इसका बेस यानी एक्स का मल्टीप्लाई वन है, तो वन से डिवाइड करेंगे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। प्लस टेन इंटू एक्स माइनस पाई अपॉन फोर प्लस। सो थोड़ा यह लंबा था डियर, बट ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है वह वी वी आई है, फोर मार्क्स में यह क्वेश्चन आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में पूछेगा, पूछेगा नहीं पूछता है। सो आप लोग इसको बढ़िया से याद कीजिए, बनाइए, अगर नहीं याद होता है तो रट्टा मार लीजिए ताकि एग्जाम में आप बना सके। एग्जामिनर को आप याद किए हैं नहीं किए हैं उससे मतलब नहीं होता डियर, आप कॉपी में क्या लिखे हो उससे मतलब होता है। सो आप लोग इसको नोट कीजिए, अच्छा से समझ गए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर फोर डिस्कस करते हैं। आप लोगों को जो साइन और कोस का फॉर्मूला बताया गया था, जस्ट जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों को फॉर्मूला पर ही है। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप लोगों को अच्छा से बना लीजिएगा, और आज का सेशन इसी क्वेश्चन के साथ द एंड होता है, यानी एग्जाम्पल द एंड होता है, एक्सरसाइज नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर फोर क्या कहता है, कहता है एक सेकेंड ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रूट अंडर वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स। सो देखिए फार्मूला फिर से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू। बस इसी दोनों फार्मूला का यूज करके यह क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे। देखिए वन माइनस कॉस टू एक्स का जगह क्या लिख सकते हैं हम, रूट अंडर टू साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, देखिए वन प्लस कॉस टू एक्स का जगह क्या लिख सकते हैं रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर एक्स। सो नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आगे जानते हैं, देखिए अब देखिए यहां पर क्या था, टोटल के कॉस्ट में यानी कि टोटल के रूट में लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स के जगह टू साइन स्क्वायर एक्स, और वन प्लस कॉस टू एक्स के जगह टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बात आता है माय डियर, टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका बचेगा वो बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब बताइए आप लोग कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है,
लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड में बताए थे सारा ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन एक्स अपन जो कॉसेस होता है डियर वह होता है टेन एक्स। क्या होता है? टेन एक्स। अब टेन एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, फिलहाल नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। बस देखिए फार्मूला याद रखिए, बहुत ही इजी से बनेगा यार। टेन एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मोड सेक एक्स। क्या होता है माय डियर? लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। यानी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं रूट वन माइनस कॉस टू एस अपॉन रूट वन प्लस कॉस टू एस का जो आंसर आता है माय डियर वो आता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। देखिए आप लोग फार्मूला अगर याद है, इंटीग्रेशन में पॉसिबल है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट अगर फार्मूला याद नहीं है तो सॉल्व करना नहीं। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, देखते के साथ माइंड में सॉल्व होता है तो वह सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा यानी अन्यथा आप साल भर भी लेके बैठे रहो सॉल्व नहीं होगा। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। सो आप लोग ज़्यादा मेहनत कीजिए यार, क्योंकि जो आपका थर्ड सेमेस्टर है वह इससे यानी आपको इंटीग्रेशन से 50 या 60 नंबर का पूछता है। सबसे बड़ा लेसन यही है और सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। अगर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया तो समझिए आप 50 से 60 नंबर आप थर्ड सेम में ला सकते हैं 100 मैथ में से। सो थैंक्स द फुल लास्ट वाचिंग वीडियो। आप लोगों का सेशन आज यहीं तक खत्म होता है, यानी एग्जांपल खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में डियर आप लोगों को एक्सरसाइज डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करो ताकि मैं मोटिवेशनल हो सकूँ। थैंक्स।